स्कूटी चलाते समय क्या आप भी नर्वस होकर के एक्सीलेटर ज्यादा दे देते हैं? स्कूटी चलाते समय क्या आप भी नर्वस होकर के ब्रेक ज्यादा लगा देते हैं? दोस्तों, ये नर्वस आखिर आती क्यों है? इस नर्वस को कैसे दूर करें? बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आपका स्वागत है कार एंड स्कूटी ट्रेनिंग हब में। दोस्तों, अक्सर होता क्या है ना कि जब आप स्कूटी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपके भीतर जो है नर्वस जो है ना वो ज़्यादा होती है और नर्वस हो करके आप स्कूटी नहीं चला सकते हैं। सबसे पहली बात तो नर्वस को कैसे दूर करना है और नर्वस आता क्यों है आगे हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, नर्वस हमारे भीतर आती क्यों है। होता क्या है ना कि जब हम स्कूटी का ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके आस पास का इन्वायरमेंट ऐसा होता है, आपके माइंड में ये रहता है कि यार मैं सीख रही हूँ, मैं सीख रहा हूँ और लोग चला रहे हैं, पता नहीं मुझे देख करके वो लोग क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे। तो इस ये एक रीज़न है और नर्वस होने का कि मैं चला रही हूँ, कहीं मुझसे एक्सीलेटर थॉटर ज़्यादा चला गया, कहीं मुझसे ब्रेक ज़्यादा चला गया। तो दोस्तों, एक चीज़ आप ये समझिए कि आप जितना जिसके बारे में सोचेंगे वो चीज़ें आप पर उतनी ज़्यादा हावी होती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग रोड पर चला रहे हैं वो पहले प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, आप जहाँ हैं पहले वो भी वहीं थे, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को लेकर के नर्वस क्यों रखना है? आज आप इस तरह से चल रहे हैं, आप आज इस तरह से ब्रेक को लगा रही हैं, आज आपका बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि क्या आप अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखिएगा तो ये चीज़ें क्या लंबे समय तक चलेंगी? बिल्कुल नहीं चलेंगी। आप रोड पर प्रैक्टिस कर रही हैं, आपका ध्यान स्कूटी से ज़्यादा लोगों पर होता है, आपका ध्यान स्कूटी कंट्रोल करने से ज़्यादा लोगों पर होता है, ठीक है। और 10 दिन 15 दिन आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसके बाद फिर जब तब जाकर के आपका ध्यान स्कूटी पर आता है, यार 10 दिन हो गया नहीं सीख पा रहे। स्कूटी चलाना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है तो इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होने में आपको समय लगता है। आप इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो जाइएगा, फिर उसके बाद आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर देख इस ये आपके माइंड में होगा, ठीक है। तो नर्वस मत होइए, लोगों को मत देखिए, लोगों की नज़रों को मत देखिए कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, लोग आपको कैसे जज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग डायरेक्टली चलाना सीख गए हैं, उन लोगों ने भी प्रैक्टिस करा, हो सकता है कि आपसे मेजर तरीके से गिरे भी होंगे। दूसरी रीज़न पर आते हैं। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि आप लोग जब स्कूटी का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोग रैंडमली आपने सोचा और रैंडमली आपने स्कूटी का प्रैक्टिस जो है वो जारी कर दिया। स्कूटी सीखने का अगर आप मूड बना रहे हैं तो आपके घर में जो भी हैं, आपके हस्बैंड हो, आपके भाई हो, आपके फादर हो, आप कम से कम 4 से 5 दिन या 10 दिन आप उनके साथ पहले स्कूटी पर बैठिए और उनके साथ घूमिए, स्कूटी पर जाइए उनके साथ और चीज़ों को समझिए कि इंडिकेटर कहाँ होता है, एक्सीलेट क्या होता है, ये क्या होता है। दोस्तों, अगर ये चीज़ अगर आप करेंगे और इसके साथ साथ आप घर पर हैं तो अपने घर पर स्कूटी को जो है अपने पार्किंग से आगे पीछे करना स्टार्ट करिए, ठीक है। आगे पीछे करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जब भी आप रोड पर जा रहे हैं लोगों को देखिए कि कैसे वो चला रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। उसके बाद आप स्कूटी का प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, स्कूटी का बेसिक कि स्कूटी में इंडिकेटर कहाँ होता है, हॉर्न कहाँ होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस जो है वो बना रखा है। ऊपर के आई बटन पर या नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से स्कूटी का बेसिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो जन्म लेते किसी चीज़ को सीख गया, उसको उन्होंने भी इसी रोड पर इसी धरती पर सीखा है। वो भी जब सीख रहे होते हैं ना तो उनको लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। और लोग आपको देख इसलिए नहीं होते हैं ना, लोगों की नज़र आप पर इसलिए नहीं होती है ना कि आप गलत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो आप जब वाहन चालक बन रहे हैं ना, तो रोड पर बहुत सारे वाहन चालक हैं। ऐसे अगर इस दुनिया में अगर देखा जाए, इस दुनिया में तो मतलब ही दुनिया है, लेकिन अगर वाहन की दुनिया में अगर आप आते हैं ना, तो वहाँ पर लोग कोऑपरेटिव होता है, लोग आपको जो देख रहे होते हैं ना वो वाहन चालक होते हैं और वाहन चालक एक दूसरे वाहन चालक को बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। आपको देख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पर हंस रहा है, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होगा कि
और ज्ञान जो है हर एक से थोड़ा 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 ले करके ही सीखा जाता है, है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि वो लोग देख रहे हैं तो आप नर्वस हो जाइएगा और आप पर हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको कुछ बताने की भी शायद कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी मैं ट्रेनिंग कराता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग रुक करके फिर जो है जिन्हें भी मैं ट्रेनिंग करा रहा होता हूँ उनको बताते हैं, और ऐसा नहीं कि वो गलत बताते हैं, ठीक है, वो भी सही बताते हैं कि आप ये कीजिए, आप ये गलती कर रही हैं, आप ऐसे कर रही हैं। तो ज्ञान सबसे लेना चाहिए। तो आई होप्स कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और आज के बाद से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिना नर्वस के साथ और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। आप नर्वस नहीं होइएगा तो आपको जो है एक्सलेटर ब्रेक ज़्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि फोकस अभी आपको यहाँ करना है, वहाँ नहीं, लोगों पर नहीं करना है, ठीक है। आई होप्स कि आप आगे से अपना ट्रेनिंग जो है वो बिना नर्वस के करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।